अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रम स्टिक करी की रेसिपी। और ये सेंगर की फली जब बहुत ही अच्छी बनती है, तैयार होगी अगर आप ऐसे ही बनाएंगे, और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी ड्रम स्टिक करी की ये रेसिपी। तो यहाँ पर ये एक गीला नारियल का टुकड़ा मैंने ले लिया है, साथ में 2 हरी मिर्च, मुट्ठी भर हरा धनिया और 4 लहसुन की कलियाँ मैंने ले ली है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम एक पैन या पतीली गर्म करने रख देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा जब इस तरीके से तड़क जाएगा तब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई ऐड करेंगे। और प्याज को मैंने बारीक टुकड़ों में कट किया है और प्याज को अब हम भून लेंगे लाइट पिंक कलर आने तक। एकदम हमें प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आने लगे इतनी हम प्याज को यहाँ पर भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इतनी ही प्याज को हम भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्रम स्टिक। तो यहाँ पर ये 4 मैंने फली ले ली थी और इसे इस तरह से देखिए 4 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और साफ़ कर लिया है। तो ये फलियाँ हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्याज और तेल में हम इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने नारियल और हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन की कली का जो पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब ये सारे मसाले को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। तो ये मसाले को हम भूनते रहेंगे इस तरह से। तो ये देखिए जो तेल रिलीज़ होने तक हमने मसाले को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें भून गई है और तेल भी रिलीज़ हो गया है, मतलब मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ी पत्ता। तो 10 से 12 हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ी पत्ता और साथ में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। कड़ी पत्ते का भी टेस्ट ड्रमस्टिक करी में बहुत अच्छा आता है। तो ये मिलाते हुए हमने 1 मिनट तक फिर से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी ताकि हमारी ड्रम स्टिक, टमाटो और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 1 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे पका लेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारी फलियां भी अच्छे से गल जाएगी और हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ढककर रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है ताकि हमारी ड्रम स्टिक्स बहुत ही अच्छे से गल जाए। और ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी मज़ेदार सी ड्रम स्टिक करी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर एक मिक्स दे देंगे। ये देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। ये देखिए एकदम अच्छी से गल चुकी है। तो चलिए गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म ये ड्रम स्टिक करी को हम सर्व कर लेंगे। तो आप भी ऐसे ही बनाएं एकदम ग्रेवी वाली मज़ेदार सी नारियल के साथ ड्रमस्टिक करी की रेसिपी, और चावल के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। और आपको ये करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने सर्व कर लिया, गार्निश कर लिया है इसे मैंने हरे धनिए के साथ। और मैं